हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एक माह में नौकरी तलाश करने वाले 15 लाख बढ़े। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का 12 नवंबर को परिणाम। खंड शिक्षा अधिकारी को मेहरबानी से बिना चार्ज लिए शिक्षिका 9 माह तक लेती रही एरियर। शिक्षकों में पैदा करेंगे प्रशासनिक जज्बा। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सालवर सहित 2 गिरफ्तार। शिक्षक व कार्मिकों को जल्द मिलेगा वेतन। एक कमरे में संचालित जिले के 17 प्राइमरी स्कूल होंगे बंद। एरियर के लिए बेसिक शिक्षकों का हो रहा शोषण। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें विस्तार से किसमें यह यूट्यूब चैनल पर। एक माह में नौकरी तलाश करने वाले 15 लाख बढ़े। श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में पिछले करीब एक महीने में 15 लाख से ज़्यादा नौकरी तलाश रहे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 19 सितंबर से करीब इस पोर्टल के डैशबोर्ड पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 95.339 लाख हुआ करती थी, लेकिन पिछले एक महीने के दौरान लोगों के रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल 1.10 करोड़ लोग नौकरी तलाश रहे हैं और इन लोगों के लिए 1,46,293 नौकरियाँ उपलब्ध हैं। अगर औसत की बात की जाए तो प्रति नौकरी 75 से ज़्यादा लोगों की उम्मीदवारी है। देश भर में इस पोर्टल के जरिए लोगों को नौकरी देने वाले नियोक्ताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। कुल 1,70,056 नियोक्ता इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। राज्यों का हाल, 30 सितंबर तक की बात, 1.01 करोड़ नौकरी ढूंढने वालों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 67 लाख के करीब पुरुष और 34 लाख महिलाएँ हैं। नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में शीर्ष 3 राज्यों की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र हैं। पश्चिम बंगाल में 24.45 लाख, बिहार में 12.30 लाख और महाराष्ट्र की 11.06 लाख लोगों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख, झारखंड में 4.57 लाख, दिल्ली में 1.10 लाख, 1.18 लाख, हरियाणा में 88,000, उत्तराखंड में 65,000 नौकरी ढूंढ रहे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार का तर्क है, हालांकि सरकार का कहना है कि देश में मौजूदा समय में इस पोर्टल के जरिए रोजगार देने की तैयारी है। ऐसे में सभी राज्यों में नियोक्ताओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। महिलाएं थोड़ा आगे, इस पोर्टल पर 4.09 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 50.02% महिलाएं और 49.98% पुरुष कामगार हैं। पोर्टल पर पुरुषों और महिलाओं ने समान संख्या में पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की सुविधा, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत श्रमिक मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये साझा सेवा केंद्रों, CSC राज्य सेवा केंद्रों, श्रम सुगमता केंद्र, चुनिंदा डाकघरों, डिजिटल सेवा केंद्रों पर जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का 12 नवंबर को घोषित होगा परिणाम। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम 12 नवंबर को घोषित किया जाएगा। 21 अक्टूबर तक उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 25 अक्टूबर तक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति लेंगे और 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 10 नवंबर को संशोधित उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी होगी। खंड शिक्षा अधिकारी की मेहरबानी से बिना चार्ज लिए शिक्षिका 9 माह तक लेती रही एरियर। मेरठ, अमरोहा, अंतर जनपदीय तबादले के बाद शिक्षिका को प्राथमिक विद्यालय ककराली में प्रधानाध्यापक की पद पर तैनाती मिली। आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने 9 माह तक विद्यालय का चार्ज नहीं लिया और BEO की मेहरबानी से एरियर लेती रही। RTI में मांगी गई सूचना में यह मामला प्रकाश में आया। जिलाधिकारी से मामले की जांच कार्रवाई कराने की मांग की है। अमरोहा का यह मामला 5 वर्ष पुराना है। अंतर जनपदीय तबादला नीति के तहत शिक्षिका अंजुम जहां का स्थानांतरण मुरादाबाद जनपद स्थित डिलारी के प्राथमिक स्कूल बहेड़ी से 27 अगस्त 2016 को अमरोहा में हुआ था, जिसमें तत्कालीन BSA समीमा खानम ने 23 सितंबर 2016 को स्कूल आवंटन कर जोया विकासखंड के प्राथमिक स्कूल ककराली में प्रधान अध्यापक के पद पर तैनात किया था। अकबरपुर पट्टी निवासी ओमवीर सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी BK त्रिपाठी को पत्र सौंपा था। आरोप लगाते हुए बताया कि आदेश पत्र पर तत्कालीन BSA के फर्जी हस्ताक्षर हैं। साथ ही अध्यापिका ने स्कूल में 9 माह तक चार्ज नहीं लिया और वह 6 अक्टूबर 2016 से लगातार अनुपस्थित रहे, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार की मेहरबानी से वह 9 माह तक बराबर एरियर का भुगतान लेती रहीं। बताया कि इसका जन सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में पर्दाफाश हुआ है। बताया कि वर्तमान में शिक्षिका अंजुम जहां अकबरपुर पट्टी के प्राथमिक स्कूल में तैनात हैं। ओमवीर सिंह ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें DM ने मामले को गंभीरता से लिया और BSA चंद्रशेखर को पूरे मामले की जाँच कर दोषी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। शिकायत संज्ञान में है, DM ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर बिना चार्ज के BEO द्वारा एरियर का भुगतान किया गया है तो गंभीर है, पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर BSA।
शिक्षकों में पैदा करेंगे प्रशासनिक जज्बा। प्रयागराज, प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का व्यक्तित्व तो विकास करके उन विभाग से जुड़े प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने का जज्बा पैदा किया जाएगा। शिक्षक अधिकारी के रूप में सोचिए सार्थक निर्णय लेने का जज्बा स्वयं के अंदर पैदा कर सके उनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। हर 3 से 4 माह के बीच विशेषज्ञों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा जो उन्हें पठन पाठन के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों में आ रहे बदलाव नई तकनीक से जुड़ने का जज्बा पैदा करेंगे। इस दिशा में उच्च शिक्षा निदेशालय ने काम शुरू कर दिया है। हर विभागीय कार्यों में बेहतरी के लिए साल 2 साल में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण कराता है। इसके जरिए उनके व्यक्तित्व का विकास करके कार्यों में गुणवत्ता लाई जाती है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग में प्रशिक्षण का प्राविधान नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उच्चतर शिक्षा सेवा समूह के तहत राजकीय डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पद का चयन होता है। सहायक प्रोफेसर बनने वाले कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर पदोन्नति पाकर यही प्राचार्य व उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक, संयुक्त निदेशक, संयुक्त सचिव, सहायक निदेशक, अपर सचिव, उप सचिव, मंडली उच्च शिक्षा अधिकारी, उप सचिव जैसे प्रशासनिक पदों पर आसीन होते हैं। प्रशासनिक पद शैक्षणिक कार्य से भिन्न होता है। प्रशासनिक पद पर बैठने वाला ही उच्च शिक्षा का नीति निर्धारण करता है, लेकिन उसके मद्देनजर उन्हें प्रशिक्षित नहीं कराया जाता। इससे अधिकतर अधिकारी खुद को शिक्षक की मानसिकता से उभार नहीं पाते। इसके मद्देनजर विभागीय अधिकारी और डिग्री कॉलेजों के शिक्षक को प्रशिक्षित करके उनके व्यक्तित्व का विकास करने का निर्णय लिया गया है। आगरा में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में रविवार को आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 स्थित शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज में फर्जी अभ्यर्थी सहित 2 को पकड़ लिया गया। सालभर ने 4 लाख रुपये में पास कराने का ठेका लिया था। एसओजी गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी की जगह पर फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। इसके लिए फिरोजाबाद में रकम तय की गई है। इस पर एसओजी शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज पहुंची। कक्षा 1 से खंदौली निवासी भूपेश बघेल को पकड़ लिया गया। बीएससी पास है आरोपी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह बीएससी पास है, फिरोजाबाद के भुवनेश्वर राणा की जगह पर परीक्षा देने आया था। उसकी बात एक शिक्षक ने कराई थी। 4 लाख रुपए में परीक्षा में पास कराना तय हुआ था। पुलिस ने भुवनेश्वर को ही पकड़ लिया। एसओजी की आशंका है कि गैंग के और भी सदस्य हैं और यह और भी केंद्र पर परीक्षा में शामिल हुए होंगे। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि सालवर को पकड़ने के लिए एसओजी को लगाया गया था। कुछ लोग पकड़ गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों व कार्मिकों को जल्द मिलेगा वेतन। वेतन की ग्रांट जारी। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों को जल्द ही वेतन का भुगतान मिलेगा। शासन ने वेतन भत्तों के लिए 6 माह की दूसरी किस्त 180 अरब 50 करोड़ रुपए की रविवार को जारी कर दी है। ज्ञात हो कि पहली किस्त अप्रैल में जारी हुई थी। विशेष सचिव आरबी सिंह ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश जारी किया है। 4 लाख शिक्षकों को वेतन की ग्रांट जारी। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के 4 लाख शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए शासन ने वेतन ग्रांट जारी कर दी है। शासन ने दूसरी छमाही के लिए 180 अरब 50 करोड़ मंजूर किए हैं। रविवार होने के बाद भी वित्तीय नियंत्रक ने जिलावार ग्रांट जारी कर दी। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के सितंबर का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ था। त्यौहार के सीजन में वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अमूमन परिषदीय शिक्षकों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच वेतन का भुगतान हो जाता है। शासन के लेट लतीफे के चलते वेतन की ग्रांट मंजूर नहीं हो सकी है। 1 कमरे में संचालित जिले के 17 प्राइमरी स्कूल होंगे बंद। देखें सूची। बरेली 1 कमरे या बरामदे में संचालित 17 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का आसपास चल रहे स्कूलों में प्रवेश कराया जाएगा। शिक्षकों को भी समायोजित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के स्कूल की हालत बेहद खराब है। 13 स्कूल ऐसे हैं जो 1 कमरे या सिर्फ बरामदे में चल रहे हैं। 4 स्कूल प्राथमिक स्कूल संदलखा, 2 प्राइमरी स्कूल गढ़िया, 2 प्राइमरी स्कूल लोधी राजपूत और प्राइमरी स्कूल माधोवाड़ी भवन विहीन हो चुके हैं। कुल 17 स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। बच्चों की संख्या भी बेहद कम है। इन स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूरी ही होती है। कुल 17 स्कूलों में मूलभूत इसी विभाग की छवि भी खराब होती है। आखिर शासन ने ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला ले डाला। सभी जिलों में ऐसे स्कूलों को बंद करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। बरेली से प्रस्ताव तैयार होकर चला गया। 1 महीने में पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। BEO नगर Zone 2 अमन गुप्ता ने बताया कि सभी 17 स्कूल किराए की इमारतों में चल रहे हैं। इनको आसपास के स्कूलों में समायोजित कर दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव बन गया है। 1 महीने में ही समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस आदेश से भवन मालिकों को राहत मिली है। वे भवन खाली कराने को प्रयासरत थे। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में शिक्षकों के एरिया निकलवाने के एवज में बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। किसी भी लेखाधिकारी कार्यालय में इस बात का रिकॉर्ड नहीं तैयार किया जाता है कि किसके एरियर की पत्रावली पहले प्रस्तुत हुई और किसकी बाद में। राठौड़ ने कहा कि जो अध्यापक रिश्वत नहीं देते उनके एरियर की पत्रावली कार्यालय से गायब कर दी जाती है। उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाया। कहा कि ऊटा के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर के करीब 200 भ्रष्ट कार्मिक चिन्हित किए गए हैं।
दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।